हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हुई एप्पल टीवी प्लस ऐप पर। इस सीरीज में हमें नजर आते क्रिस एवांस और जेडन। ये एक मर्डर मिस्ट्री पर बनाई गई सीरीज है। इसमें हमें तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज हुए। बाकी के एपिसोड हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। अगर एपिसोड की लेंथ की बात करो तकरीबन 45 मिनट से लेकर 50 मिनट के बीच के है। सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती क्रिस एवांस से, जिसका इस सीरीज में नाम है एंडी बार्बर। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन तभी कहानी में आ जाता ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये होता है कि उनके बेटे जेकब जिस स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम है बेन, उसका हो जाता है मर्डर। अब मर्डर होने के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। तो देखिए, सीरीज की जो कहानी है ये डेफिनेटली एक मर्डर मिस्ट्री पे बनाई गई सीरीज है, लेकिन इसमें आपको फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। अगर एक पेरेंट्स को पता चले कि भाई उसके बेटे ने किसी का मर्डर किया, तो उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी वो आपको इस सीरीज में बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो क्रिस एवांस है, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया एंडी बार्बर का, वो एक लॉयर है, यानी कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। और जब उनको पता चलता है कि इस मर्डर में उनका बेटा ही एक्यूज है, तो उन पर क्या बीतती है वो आप साफ इस सीरीज में देख पाओगे। और स्पेशली मैं बता दूं यहाँ पे क्रिस एवांस की, तो उन्होंने बहुत ही इंटेंस एक्टिंग करके दिखाई है। आप लोग हमेशा क्रिस एवांस को कैप्टन अमेरिका के रोल में देखते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी की कि आप वाकई में कह सकते हो बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी, और कुछ इस तरह के सीरियस रोल तो वो बहुत ही अच्छी और इजी तरह से प्ले कर देते हो। और उसके अलावा जेडन की बात को, जिसने यहाँ पे रोल जेकब का किया, उस लड़के ने भी बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया। सिर्फ अभी 3 ही एपिसोड आया, लेकिन 3 एपिसोड में आप उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन देखोगे, जिस तरीके से वो रोल को निभा रहा है ना, मतलब आप उसके लिटरली दीवाने बन जाओगे। फर्स्ट एपिसोड से लेकर तीसरे एपिसोड तक आप जगह से हिलोगे नहीं, इतनी जबरदस्त तरीके से बनाया गया। और कोई भी एपिसोड को बेमतलब का खींचा नहीं गया। अगर 45 मिनट का एपिसोड है तो आपको 45 मिनट में वो सब कुछ चीजें बताए जो एक्चुअली दिखाना चाहिए। तीसरा एपिसोड है वो आपको 50 मिनट का देखने को मिलता है, लेकिन वो 50 मिनट के एपिसोड में भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर 3 एपिसोड का ये हाल है तो आने वाले एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 2020 में वन ऑफ दी बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज में से एक होने वाली है डेफिनेटली। मैं पर्सनली इतनी सीरीज और इतनी मूवीज देखता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मर्डर मिस्ट्री पे बनाए गए सीरीज या मूवीज देखना पसंद करते हो, आप लोग के लिए यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं तो वेट कर रहा हूं इसके नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि आएगा 1 मई को। तो देखते हैं वहां पर हमें क्या कुछ और देखने को मिलता है। फिलहाल तो 3 एपिसोड देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। शायद देखते हैं कोई सीरीज रिलीज होगी तो ठीक है, वरना हम लोग किसी साउथ की जबरदस्त फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो। ये सीरीज भी आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो। तो बस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दिल दैन।